बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने काफ़ी सारे जो रिजल्ट्स हैं उनके अनाउंसमेंट किए, काफ़ी सारे रिटर्न रिजल्ट्स भी आए हैं और काफ़ी सारे फाइनल रिजल्ट भी। इसके अलावा एक न्यू जॉब की जो एडवर्टाइजमेंट है 29, वो भी शेयर किए, वो हमने उसकी वीडियो बनाई थी कल। आज हम देखते हैं कि रिटर्न और फाइनल रिजल्ट्स कौन कौन से आ चुके हैं, इस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जिनके जो रिजल्ट्स होंगे वो अपने चेक करेंगे। और डीएमसी वगैरह भी 2-3 दिन बाद रिज़ल्ट क्या आ जाती है। अब इसमें रिटर्न रिज़ल्ट में जो सबसे पहला रिज़ल्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन 17 सकेल का कंटेक्ट बेस पर था, केस नंबर लिखा हुआ है 28H 2022। उसके बाद दूसरा जो है 23/11 को जो रिटर्न रिजल्ट है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर का है, एडमिन 17 सकेल का, पंजाब साइंस एजेंसी में। अगला रिज़ल्ट भी असिस्टेंट डायरेक्टर का है, 17 सकेल, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, नॉन फॉर्मल। और उसके बाद जो अगला रिज़ल्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर का है, वो भी स्टेट में, 17 सकेल का। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का रिज़ल्ट है 17 स्केल। उसके बाद जी प्रिंसिपल 18 स्केल का, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इन द लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड में, इसका भी रिज़ल्ट आ चुका है। आखिरी जो रिज़ल्ट आया कल वो है रिसर्च ऑफिसर का, 17 स्केल, रेगुलर बेस पर था, टूरिज्म डिपार्टमेंट लाहौर म्यूज़ियम के अंदर जो सीट्स आई थी। तो ये तो हो गए सारे रिटर्न रिज़ल्ट। अब अगर बात करें फाइनल रिजल्ट्स की, तो फाइनल रिज़ल्ट में जो सबसे पहला रिज़ल्ट आया है वो है जी किस चीज़ का है। तो इस तरह के हम वीडियो शेयर करते रहते हैं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे, तो आप भी मेहरबानी फरमा कर चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें। एक ही रिज़ल्ट आया है, 121 केस नंबर है जी अकाउंट ऑफिसर का, 17 स्केल, एम्प्लॉज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन पैसी लेबर एंड ह्यूमन रिसर्च डिपार्टमेंट में। तो आज तक अभी तक जो रिज़ल्ट हैं वो सारे यही हैं। उम्मीद है शाम तक भी एक दो रिज़ल्ट और आएंगे, फाइनल और रिटर्न। और जो जॉब एडवर्टाइजमेंट है इसकी वीडियो हमने शेयर की है, वो आप देख लें, काफ़ी सारी सीट्स हैं इंस्पेक्टर की पुलिस डिपार्टमेंट में। अपकमिंग जॉब्स की बात करें तो उसमें एक दो नए डिपार्टमेंट शामिल हो गए हैं। मैनेजर की है वोमेन डेवलपमेंट में 1 सीट, असिस्टेंट की 4 सीट्स हैं, मेडिकल ऑफिसर सोशल वेलफेयर इसमें 12 सीट्स हैं, रिसर्च ऑफिसर की 1 है, प्लानिंग ऑफिसर की 1, डिप्टी डायरेक्टर की 6, साइकोलॉजिस्ट की 15 सीट्स हैं, जेंडर मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट की 1, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 5, नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर की 2, कंप्यूटर प्रोग्रामर की 2 के बाद जी असिस्टेंट डायरेक्टर इसकी भी 1 सीट है, मेडिकल ऑफिसर 6 सीट्स हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट 4 सीट्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर की 1 सीट, अकाउंटेंट और 2 अकाउंटेंट हैं औकाफ में, महकमा औकाफ में 4 सीट्स हैं इनकी, असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग में 2 सीट्स आई हुई हैं, अन क्रिबियन के एडवर्टाइजमेंट आएंगे इकट्ठे, डिप्टी डायरेक्टर आईटी की 1 सीट है, सब इंजीनियर की 10 सीट्स हैं। इसके बाद जितनी भी नीचे सीट्स खड़ी हैं ये पहले हमने वीडियो शेयर की है, इसमें सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियर की 34 सीट्स हैं और कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट की 66 सीट्स हैं, ये भी अनकरीबन चलाएंगी। बाकी सब इंजीनियर की, सीनियर रजिस्ट्रार रेडियोलॉजी वगैरह इनकी हमने पहले बताया था, हेड नर्स की ये तो वैसे ही आ चुकी हैं पहले की सीट्स, अप्लाई करें जिन्होंने करना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा कर बेल के आइकॉन बटन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर अपडेट आप तक पहुँच रहे। अल्लाह हाफिज़।